महानगर में मंगलवार को प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में शबद कीर्तन हुआ। सुबह से ही गुरुवाणी और गुरु इतिहास की कथा गुरुद्वारे में गूंजती रही। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में ताड़ीखाना स्थित गुरुद्वारा परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अमृतसर के रागी जत्था जसवीर सिंह व अन्य जत्थों ने कीर्तन किया। इसके साथ ही कथावाचक हरमिंदर पाल सिंह ने गुरु नानक देव जी का इतिहास सुनाया। सिंह सभा के अध्यक्ष गुरजीत सिंह चड्ढा ने बताया कि गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब को फूलों एवं गुब्बारों से सजाया गया, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सुबह से ही लंगर निरंतर चलता रहा, लोगों ने प्रसाद चक्कर धर्म लाभ कमाया। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल और सीओ सिविल लाइंस डॉक्टर अनूप कुमार सिंह व अन्य अधिकारी भी गुरुद्वारे मत्था टेकने पहुंचे और उसके बाद लंगर पाया। इस मौके पर गुरमीत सिंह, हरवंश सिंह, राजेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, मनजीत सिंह, गुरदास कालरा, गजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आज गुरु नानक देव जी का 553वां जन्मदिन है और जिसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया है। मैं सारे शासन प्रशासन अधिकारियों को और सारे देशवासी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत लख लख बधाई देता हूँ। चड्ढा गुरु की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो सबको। क्या कहना चाहेंगे, आज कीर्तन भी था, आज गुरुद्वारे में कीर्तन हुए हैं और लंगर बढ़ाया गया है। और मुरादाबाद से कौन कौन आए थे आप? मुरादाबाद से तो हमारे जिला अधिकारी साहब आए थे, एसएसपी साहब आए थे, ओसीओ साहब आए थे
और बाकी सारे हर जाति के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? गुरु नानक देव जी का यही कहना था कि जो फुलवाड़ी होती है उस फुलवाड़ी में हर किस्म के फूल होते हैं तो वो एक बगीचा कहलाता है। और पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिवस मनाया गया, मैं समूह साध संगत को प्रकाश दिवस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में कीर्तन हुआ और प्रभात फेरी में संतों ने कीर्तन किया, नगर कीर्तन में संतों ने कीर्तन किया और इस पर उपलक्ष्य में हमारे पास बागी था थोड़ा सबसे पैसा भाई जसवीर सिंह है, उन्होंने गुरुवाणी का कीर्तन श्रवण कराया। बागी था पैसा भाई अमरदीप सिंह जी, वो सुल्तानपुर लोधी से आकर उन्होंने संतों को गुरुवाणी का कीर्तन शरण कराया। इस पावन पल पर समूह साध संतों ने तन मन धन से सेवा की और सबका मैं जितने भी समूह साध संतों ने सेवा करी है मैं गुरु मनजीत सिंह अध्यक्ष जी का सेवा दल। आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सबसे पहले मैं सभी नगरवासियों को प्रशासनिक अधिकारियों को पत्रबंधुओं को लाख लाख बधाई देता हूँ। आज गुरुद्वारा श्री भूषण सभा में प्रातः 6 बजे से कीर्तन प्रारंभ हो गया था जो अब तक चलता रहा है, उसके बाद दिन भर लंगर बांटा गया। इस उपरांत जिलाधिकारी महोदय SSP सिटी और CO साहब गुरुद्वारे में यहाँ मत्था टेकने आए, जिनको गुरुद्वारा श्री भूषण सभा की तरफ से प्रवीर खालसा सेवा दल की तरफ से लोही और सिरपाव दे के सम्मानित किया गया, उपरांत गुरु का लंगर बांटा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है तो मैं सारे नगर वासियों को सारे हिंदुस्तान सारी दुनिया के वासियों में लख लख मैं उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक देव जी के दे, 553 में प्रकाश पुरब की लख लख बधाई दी जी। क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह का 553वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मुरादाबाद में बड़े धूमधाम बड़े उल्लास हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु नानक देव जी का प्रकाश सन 1469 में ननकाना साहब विखे पिता मेहता कालू जी एवं माता तृप्ता के घर हुआ। आप जी ने 4 उदासियां करी, सबको शिक्षा दी कि सबको गुरु के लड़ लगाया, वर्ण छको कीर्त करो, उन्होंने उपदेश दिया इस बात का, सबको एक सूत्र में जोड़ा। आज उस महान पुरुष का उस गुरु पर्व का आज हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा में समूह साध संगत ने मुरादाबाद की साध संगत ने इसमें अपना हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम में हमारे जिलाधिकारी एवं SSP साहब परिवार सहित अतः CO साहब हमारे यहाँ आए, उन्होंने मत्था टेका और गुरु का लंगर छका। सारी साध संगत को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।